दोस्तों भारत कई दशक से लगातार इस कोशिश में लगा हुआ है कि अपने फाइटर जेट के लिए एक पावरफुल इंजन बना लिया जाए और भारत की तरफ से अपना कावेरी ड्राई इंजन लगातार बनाया जा रहा है, लेकिन ये इंजन अभी इतना ज्यादा थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है जितना हमारे फाइटर जेट को जरूरत है। फिलहाल कावेरी इंजन 48 किलो न्यूटन तक का ही थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा है, जो एक यूएवी के लिए तो इनफ है, लेकिन एक फाइटर जेट के लिए कम से कम 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन की जरूरत होती है। आज ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत काफी तेजी से अपने अपकमिंग फाइटर जेट जैसे एमकार, टेडबीएफ, HLFT-42, तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर जेट पर काम कर रहा है, लेकिन इन फाइटर जेट के लिए अभी हमारे पास इंजन मौजूद नहीं है। इसीलिए ही पिछले कई सालों से भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था ताकि इन तीनों में से किसी एक देश से इंजन को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ले लिया जाए, लेकिन अब पीएम मोदी की अमेरिका की यात्रा के दौरान भारत के अपकमिंग फाइटर जेट में लगने वाले इंजन की डील फाइनल होने जा रही है। और आज खबर निकल कर ये सामने आई है कि जो हम अमेरिका का F414 इंजन लेने वाले हैं, अमेरिका अपने इस इंजन की भारत को 80% टेक्नोलॉजी देने जा रहा है, और अगर अमेरिका की तरफ से अपने इंजन की 80% टेक्नोलॉजी भारत को दे दी जाती है तो अब आने वाले 5 से 6 सालों के अंदर अंदर ही ये भी देखेंगे कि इस इंजन को भारत ने 100% देश में ही बनाकर तैयार कर लिया है। क्योंकि जब शुरू में भारत और रशिया ने ब्रह्मोस मिलकर बनाई थी, उस समय ब्रह्मोस मिसाइल में ज्यादातर इक्विपमेंट रशिया में बने हुए लगे थे, लेकिन भारत ने अब ब्रह्मोस मिसाइल को 90% तक देश में ही बनाकर तैयार कर लिया है। अमेरिका की तरफ से जो भारत को अपने इंजन की 80% तक टेक्नोलॉजी दी जा रही है, इसमें अजीत डोभाल जी का एक क्रिटिकल रोल है, क्योंकि अमेरिका को इस बात का खतरा हो रहा था कि अमेरिका के इंजन की टेक्नोलॉजी कोई और देश ना चुरा ले, लेकिन फिर भारत के NSA यानी कि अजीत डोभाल जी ने अमेरिका के NSA के साथ बातचीत की है, जिसमें इस बात को लेकर डिस्कस किया गया है कि हम आपके इंजन की टेक्नोलॉजी चोरी नहीं होने देंगे और हम भविष्य में अमेरिका के साथ एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी पर काम भी करेंगे, और ऐसा इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से अपनी इतनी ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी किसी देश को दी जा रही हो। आपको क्या लगता है कि भारत कितने सालों के अंदर अंदर इस इंजन को 100% ही देश में बना लेगा? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।